हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल 25 सितंबर को डी शिपिंग का एक नया सर्कुलर आया है। तो ये सर्कुलर एसआईडी के ऊपर है। एसआईडी मतलब सीफेरेट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो कि सारे सीफेरेट जो अभी काम कर रहा है या फिर काम करना स्टार्ट करेगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि 2 दिसंबर 2022 को एक सर्कुलर आया था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप कोई भी मतलब अगर आप 31 जुलाई के बाद से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मतलब STCW कोर्स या फिर मॉड्यूलर कोर्स या फिर सिमुलेटर कोर्स या फिर CDC COC रिप्लेसमेंट GOC रिप्लेसमेंट कुछ भी करेंगे, उसके लिए आपके पास आपका SID कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। मतलब SID कार्ड अगर नहीं होगा तो फिर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा मतलब ये आ गया था कि 31 जुलाई के बाद से मतलब रिक्वायरमेंट अब तक यही था, ठीक है। बट अभी मतलब बहुत सारे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, बिकॉज अभी SID कार्ड बनाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है और हो भी रहा है। जैसे कि मेरा भी अभी SID कार्ड नहीं है। तो अभी कल एक जो सर्कुलर आया है वहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी के मतलब आज से ये सब जो आपका बेसिक STCW कोर्सेस, आपका फिर मॉड्यूलर कोर्सेस, आपका सिमुलेटर कोर्सेस या फिर आपका CDC COC रिप्लेसमेंट, नया CDC नया COC सबके लिए SID जो मैंडेटरी था वो हटा दिया गया है। तो अभी आप ये सब कुछ चीज SID के बिना भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो प्रॉब्लम था, मैं 2019 में SID के लिए अप्लाई किया था बट मेरा CDC और पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ डिफर मतलब स्पेलिंग उसका मिस्टेक्स था। तो मैं ट्राई किया था एक बार चेंज करने का, या फिर मैं SID का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फिर मैं वहाँ पे भी गया था MMD में, बट वहाँ पे मेरा हुआ नहीं बिकॉज मेरा प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट था वहाँ पे दोनों में, तो इसीलिए हुआ नहीं। फिर मैं छोड़ दिया SID कराना। फिर जब 2 दिसंबर को जब ये सर्कुलर आया था, जो पुराना सर्कुलर है मतलब जिसमें लिखा हुआ था कि SID कार्ड मैंडेटरी है, तो उस टाइम पे मैं जहाज में था। फिर जब जहाज से आया उसके बाद फिर मैं और कुछ काम में बिजी हो गया, तो मेरे दिमाग से पूरा निकल ही गया कि मुझे CDC रिप्लेसमेंट करवाना है। बिकॉज मुझे अगर प्लेस ऑफ बर्थ सही करना है तो फिर मुझे नया CDC चाहिए जहाँ पे पासपोर्ट और CDC मतलब सेम प्लेस ऑफ बर्थ होगा, तभी मैं फिर नया SID के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बट मेरे फिर दिमाग से निकल गया। फिर मैं जब अभी जब जहाज पे आ गया तब मेरा दिमाग पे आया कि मेरा भी कुछ दिन में मेरा PSCR भी और AFF दोनों सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे फिर से उसका रिन्यू करवाना है सर्टिफिकेट। तो उसके लिए फिर मुझे कोर्स करना पड़ेगा। बट अभी कोर्स के लिए क्या था कि SID मैंडेटरी था, तो फिर मेरा प्रॉब्लम था कि अभी मेरे पास SID भी नहीं है और मैं अभी अपना CDC भी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता बिकॉज CDC रिप्लेसमेंट करने के लिए भी SID जरूरी था मतलब मैंडेटरी था। तो मैं बहुत दिनों से भी मतलब अभी 2-3 महीने से मैं मतलब बहुत टेंशन में था कि कैसे किया जाए ये चीज़। बट अभी कल जो सर्कुलर आया है मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ, ताकि मैं इस बार जाके नया CDC बनवा के फिर मैं SID अप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरा जब बाद में फिर पता नहीं ये लोग फिर से कब क्या सर्कुलर लेके आएगा, तो मैं अभी दिखाऊंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अभी दिखाऊंगा कि उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। वहाँ पे लिखा हुआ है कि SID मैंडेटरी नहीं है बट सबको इनकरेज किया जा रहा है कि SID बनवा लीजिए। बट ये सही है, SID तो सब लोग धीरे धीरे बना ही लेगा, बट अगर SID मैंडेटरी था तो फिर बहुत सारे को प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो एक सबके लिए सारे सीफेरेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ कि ये जो सर्कुलर आया इसके लिए, स्पेशली मेरे लिए भी बहुत हेल्प हुआ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करता। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बना था बिकॉज बहुत सारे को अभी तक मालूम है कि SID के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बट अभी आज से आप सब कुछ कर सकते हैं, सारे कोर्सेस CDC COC रिप्लेसमेंट, नया CDC नया COC GOC सब कुछ आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो इस जब का जो सर्कुलर आया है वहाँ पे क्या लिखा हुआ। सो गाइस, आप देख सकते हैं 25 सितंबर को ये सर्कुलर आया है, मतलब कल 2023 का 22 नंबर सर्कुलर है, DGS न्यू सर्कुलर नंबर 22/2023। तो यहाँ पे जो भी बहुत कुछ कहानी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ देखिए जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका देखिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टरेट इज इन रिसीप्ट ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब से ये जो अपना जो नंबर 12 मतलब जो दिसंबर में जो सर्कुलर आया था वो जब से चालू हुआ है तब से बहुत सारा कंप्लेंट गया है डी शिपिंग के पास कि मतलब इस जो SID के बिना जो आप मतलब CDC कोई मतलब नया CDC नहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके लिए फिर देखिए लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, द मैटर हैज़ ड्यूली बीन एग्जामाइड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट टू वेव द रिक्वायरमेंट मेंशन इन पैराग्राफ 4 ऑफ DGS सर्कुलर 2023/2022 विथ इमीडिएट इफेक्ट इन द सीफेरर्स वेर मैंडेटेड टू हैव BSID कार्ड्स इन पोजीशन ऑफ अवेलिंग वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डायरेक्टरेट। उसमें देखिए ये सब
मतलब क्या लिखा हुआ है कि आप अभी सब कुछ कर सकते हैं, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो इनका डीजे सर्कुलर है और डीजी शिपिंग का जो वेबसाइट है, अगर आप सीफर है तो आपको मालूम ही होगा कि ये सर्कुलर कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो आता रहता है। तो आज का वीडियो मैं इधर ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।